साइबर क्राइम 2077 में आपको सब वी कह के बुलाते हैं, क्योंकि यू के बाद वी आता है, और यू वी और हम 2008 की रोमांटिक फिल्म है जिसका प्रोड्यूसर अजय देवगन है, डायरेक्टर अजय देवगन है और एक्टर अजय देवगन है। उसमें उसकी पत्नी का भी रोल है भाई। Unemployment's been good to you. साइबरपंक की नई अपडेट में इन्होंने बहुत सारे नए नए फीचर्स और एक और इम्प्रेसिव स्टोरीलाइन एक्सपेंशन ऐड करी है। जैसे अब आप मेट्रो में बैठकर एक नई रेडियो स्टेशन पर अपने पसंदीदा भोजपुरी गाने सुन के अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल रियल लाइफ की तरह। लेकिन सबसे रियलिस्टिक फीचर ये है कि अब आप चलते चलते भी गाने सुन सकते हो और वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हो। वाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ GTA 6 में अगर ये फीचर मिल गया तो मैं अपना नाम बदल के चंपक बिल्ला रख लूँगा। गर्मियाँ बहुत घटिया होती है, अगर किसी ने बोला ना उनको गर्मी पसंद है तो अच्छा nice नहीं होगा। weather today. हैं? रुक तो। इस नई अपडेट में सारे बग्स भी फिक्स कर दिए हैं इन्होंने। ये क्या हो रहा है? ये तो अच्छा नहीं है, ये तो अंदर नहीं जा रहा है। ओए पुलिस वाले, ये बाइक इसमें क्यों नहीं जा रही? बाइक तो बहुत छोटी है, इतनी जगह है इसमें, ये क्यों नहीं जा रही उसमें? जल्दी बोल। ओए क्या कर रहा है? ओए शाले खुद को मार लिया, जवाब नहीं दे पाया। पुलिस वालों को परमानेंटली योगी सरकार के अंडर कर दिया है, अब ये आपका पीछा नहीं छोड़ते है। अरे ये मेरी बाइक यहाँ पे गिर गई थी, मुझे चलानी नहीं आती है। अरे भाई ये मेरी बाइक का मुझे क्यों मार रहे हो तुम लोग? सॉरी भाई, भाई मुझे जानी दो ना भाई, साले। इस अपडेट का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि इन्होंने पूरे बिहार की एग्जैक्ट कॉपी इसमें ऐड कर दी है। यहाँ हर कोने पे गुंडे बदमाश घूमते हैं और ये नाइट सिटी का सबसे एडवांस्ड, सबसे पिछड़ा हुआ पार्ट है। और क्या आपको पता है गाइस, इसी गेम से इंस्पायर होके एप्पल ने अपने VR हेडसेट को कॉपी किया था। लेकिन इसमें जो हेडसेट होता है उसको पहनते ही आप फ्री में पूरी सूर्यवंशम फिल्म का मजा ले सकते हैं। फाइनली इसके NPCs को भी डिप्लोमा मिल गया है, लेकिन इनके आगे गाड़ी लगा दो तो पूरे हाईवे को जाम कर सकते हो। इनमें इतना दिमाग नहीं है कि ये गाड़ी साइड से ले ले, या फिर गाड़ी के ऊपर से ही चढ़ा दे, धक्का मार के उसको साइड कर दे। जाम खुलवाने के लिए आपको देसी तरीके ही अपनाने होंगे। अब गाड़ियों पर इसमें गोला बारूद की सुविधा भी दी गई है। अब आप बाइक को एक टायर पे चला के लड़कियों पे भी लाइन मार सकते हो, खड़े खड़े एक टायर पे खड़ी कर सकते हो। अब इससे तो भाई एक्सीडेंट का भी खतरा नहीं है, मतलब कितना ज्यादा सोचते हैं भाई ये साइबर पंक वाले, बिल्कुल रियल लाइफ की कॉपी है ये गेम। और जो हाफ लाइफ का ग्लिच स्पीड रनर्स यूज करते हैं उसको इसमें फीचर बना के डाल दिया है इस अपडेट में। बहुत अच्छी डिटेल्स भी ऐड करी है इस गेम में। लेकिन इस क्वेस्ट में ये अब भी फोक से ही ये सूप पीने की कोशिश करते हैं, और ये सूप है ये क्या है? ये किसी मैकेनिकल इंजीनियर का मूत लग रहा है मुझे तो। बिल्कुल घटिया गेम है, 10 में से 0 भाई, बिल्कुल घटिया वाहियात गेम है। We're reasonable people. I'm sure we can work something out. Thank you, Lodi. सही में इसकी नई अपडेट में बहुत छोटी छोटी चीजें भी ट्वीक करी है, व्हीकल्स की हैंडलिंग और साउंड डिजाइन को भी बहुत इम्प्रूव किया है। अब इसमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारा ड्राइवर सलमान खान है, अब ऐसा लगता है कि हमारा ड्राइवर वीरप्पन है। स्किल ट्री को पूरा ओवरहॉल करके उसमें कई सारी नई खतरनाक चीजें भी ऐड करी है, जैसे ये डैश, बुलेट डिफ्लेक्शन और फिनिशर। इससे और भी मजेदार हो गया है इसका गेम प्ले। एक्सपेंशन की स्टोरी भी बहुत गजब है, बहुत बड़ा एरिया है डॉगटाउन, साइड क्वेस्ट भी बहुत सारी है और हाई क्वालिटी है। डॉगटाउन नाम की टंकी ऊपर तक ओवरफ्लो कर रही है कंटेंट के मामले में, इतनी सारी चीजें करने को। इसमें आप पबजी वाली एयर ड्रॉप भी आती है, जरा लूट के आता हूँ, देखते हैं इसमें AWM पड़ी है या नहीं। नई वेपन्स, व्हीकल्स, फुल ब्रांड न्यू रेडियो स्टेशन, 200 भोजपुरी गानों के साथ, और इसमें थोर वाले एक्टर ने भी तो एक्टिंग दे रखी है। बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस दी है इडली एल्बा ने इसमें, सिर्फ इसी ने नहीं सारे एक्टर्स ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। एक्सपेंशन की शुरुआत ही इतनी चुतड़फाड़ होती है, लेकिन मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता ज्यादा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि ये फुल साइबर पंक जेम्स बॉन्ड मिशन इम्पोसिबल टॉम क्रूज वाली फैंटेसी फुलफिल कर देता है। इस स्टोरी की भी मल्टीपल एंडिंग्स है, उनमें से एक पूरे गेम को भी एंड कर सकती है, और एक में ये हॉरर एलियन गेम भी बन जाता है।
अरे खुल के नहीं रहा, मांगी चूत इसकी। ओ मादर चोद स्टीफन होती, जल्दी खोल ले सारा बाउड़ी कांड। ठीक है उतरी बैठ के अंदर आके पहुंच नहीं के। ये बात सही, लेकिन पानी तो हर एंडिंग में बराबर निकलता है आंखों से। इसके स्टोरी के एंड में मेरा दिल त्राही त्राही कर रहा था। खुद को कंट्रोल करने के लिए मुझे दूसरी चीजों का सहारा लेना पड़ा। मैं ये फिर से बता रहा हूँ, लेकिन नाइट सिटी जितनी इमर्सिव सिटी किसी भी गेम में नहीं है। इसकी वर्टिकलिटी देख के मैं हैरान रह जाता हूँ, भाई कैसे बना सकता है कोई ऐसी चीज। इतनी खतरनाक सिटी लोगों ने कैसे बना दी, ये तो सपना है भाई, मुझे कोई गुस्सा मार के उठा दो। इस गेम का क्वेस्ट डिजाइन, स्टोरी टेलिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग, ब्लेड रनर वाला डिस्टोपियन साइबर पंक आर्ट स्टाइल, कैरेक्टर डिजाइन, एटमोस्फेयर एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एक ओवरऑल परफेक्ट गेम है। इसका NPC AI सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट मांगता है। ये देखो गाइस, 3-star वांटेड लेवल, इंस्टेंट डिसमिस करने की नीचे टेक्निक, बस आपको दुकान में खड़ी हो जाना। और अरे कहाँ गया वांटेड लेवल? अरे अंकल मुझे याद नहीं क्या मैं आपके सर में गोली मार रहा था? फिर से याद दिलाना पड़ेगा, मार के लगता है। अरे याद आ गया, वाह मेरी उतरी। देखो अंकल जी, मैंने तो कुछ नहीं किया था। और बहुत सारी अंडर यूटिलाइज चीजें भी है इस गेम में। उड़ने वाली एवीज भी मिसिंग है। मोड लगा के आ जाती है, लेकिन जसर मारेगा यार, को क्रिमिनल नहीं बनना चाहता मैं, इसलिए नहीं लगाता कोई मोड। फर्स्ट पर्सन से मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे लगता है कि इससे तो ज्यादा इमर्सन बढ़ता है। लेकिन थोड़ा सा थर्ड पर्सन भी हो जाता तो डबल मजा आता ना। और इतनी सारी बड़ी बड़ी मेगा बिल्डिंग्स है, लेकिन जा सिर्फ 2-3 में ही सकते हैं। अगर एक्चुअल क्वेस्ट में भी वर्टिकलिटी का यूज होता तो और अच्छा रहता ना। एक ही मेगा बिल्डिंग में कोई मिशन होता और उसमें नीचे से ऊपर तक जाते, या फिर ऊपर से नीचे तक जाते फाइट करते हुए, लिफ्ट में फाइट होती, ये होता वो होता, या फिर वैसे ही ओपन एक ही मेगा बिल्डिंग में मल्टीपल क्वेस्ट होते, मजा आता ना। और ये डैश का मैकेनिक इन्होंने बाद में ऐड किया ना, इससे कई सारे क्वेस्ट तुम लोग स्किप भी कर सकते हो सीधा डैश मार के। ये टैरेट वैरेट लगी हुई है, इनको कोई जरूरत नहीं है मारने की, सीधा सीढ़ी पकड़ लो। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा CD Projekt Red को बहुत बहुत थैंक यू इस अपडेट के लिए। लेकिन असली गेम तो साइबर पंक 2 होने वाला है भाई, उसमें तो दो दो लड़कियां बैठेगी नंगी होके बाइक पे।